तो ग्लोबल लेवल पे भारत को मजबूत किया जा रहा है, जिससे कि देश के युवा बाहर जा करके जॉब कर सकते हैं। तो उनको दो चांस मिल गया, अब नया चेहरा लाइए ना भाई। कांग्रेस क्या क्या किया उनको बोलिए, काम गिनवा दे, काम गिनवा दे। और नरेंद्र मोदी जो नरेंद्र मोदी का जो हल्ला है, बहुत विकास हुआ है और आने वाले 24 में भी वही जीतेंगे, अगले 10 साल नहीं 20 साल 25 साल तक वही जीतेंगे। विकास का नाम हटाइए ना, 60 साल 70 साल को यहाँ उसका सरकार चला, क्या किया, कुछ किया? हटा कर लड़कर दिखाओ यार, ईवीएम हटा कर लड़कर जिता देगा तब जानेंगे। औलाद को संभालेगा कि ठीक देखेगा, जनता को देखेगा, ठीक है? इससे पहले हम तो किसी को शासन देखे नहीं, हम देखे जब से नरेंद्र मोदी यहाँ है, विकास हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना जंक्शन पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि 2024, जी हाँ 2024 आ चुका है और 2024 में होने जा रहा है लोकसभा चुनाव। तो आज मैं यहाँ आया हूँ और यहाँ पे लोगों से मैं बातें करूँगा कि मतलब उनके हिसाब से वो किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना पसंद करेंगे। जी आप किसे, मतलब 2024 आ चुका है, 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, इसमें आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर आप देखना पसंद करेंगे? नरेंद्र मोदी। क्यों? क्यों? क्योंकि वो विकास के कारण क्या विकास किए हैं? बहुत विकास किए हैं जी, बहुत सारा विकास किया है, जैसे कि हमारे देश को बहुत से चीजों में आगे बढ़ाए हैं। GDP 8.6 से बढ़कर 3 से 8.6 तक पहुंच गया है और आगे चलिए तो ग्लोबल लेवल पे भारत को मजबूत किया जा रहा है, जिससे कि देश के युवा बाहर जा करके जॉब कर सकते हैं। अगर आप में सामर्थ्य है तो आप बाहर जा करके जॉब कर सकते हैं। और साथ ही नरेंद्र मोदी की सरकार एक बिजनेस के रोजगार की बात कही है, लेकिन विपक्ष का ऐसा दावा होता है कि जहां भी BJP का सरकार होता है वहां बेरोजगारी बढ़ जाती है। बेरोजगारी कैसे बढ़ जाती है बताइएगा तब ना, कैसे प्रमाण चाहिए ना, बेरोजगारी कितना बढ़ी है। मनमोहन सिंह की सरकार में बेरोजगारी दर थी 8.9 और अभी सिर्फ 9 हुआ है, जो कि बीच में महामारी के कारण, कोरोना जैसी महामारी के कारण देखना पड़ा। जी तो इसके लिए मैं यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं, मैं इनसे बातें करूँगा। आपके हिसाब से चाचा जी आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर देखना पसंद करेंगे? नहीं, हमारे समझ से देश को अब नया प्रधानमंत्री चाहिए। नया प्रधानमंत्री? क्यों? प्रधानमंत्री चाहिए, नया चेहरा चाहिए, और चाहिए नई आवाज चाहिए, नई दृष्टि चाहिए और नई ऊर्जा चाहिए। मैं जी नहीं कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी चाहिए कि राहुल गांधी चाहिए, लेकिन कुछ ऐसा चेहरा इस देश को चाहिए। इस देश में एक से एक, मेरे विचार से इस देश में एक से एक ऐसा टैलेंटेड आदमी है जो 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 देश को चला सकता है। लेकिन आपसे मैं यही चीज पूछना चाहूंगा, नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं, क्योंकि क्या उनसे देश नहीं संभल रहा है? तो उनको दो चांस मिल गया, अब नया चेहरा लाइए ना भाई। नया चेहरा कौन? नया चेहरा बहुत आएगा। जैसे जैसे कौन? अब आपको कह रहे हैं कि वाजपेयी जी बने ना, जी 70 साल कांग्रेस को मिला और 10 साल भाजपा से, अब बराबरी का मौका खोज रहे, कहाँ से होगा बराबरी? इनसे पूछिए, बिहार में 20 साल नीतीश रहा, 20 साल नीतीश, उसको क्यों नहीं हटाइए, उनको क्यों नहीं हटाना चाहे? जी 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 70 साल देखे ना, ये कांग्रेस क्या क्या किया उनको बोलिए, काम गिनवा दे, काम गिनवा दे। और नरेंद्र मोदी का जो हल्ला है, बहुत विकास हुआ है और आने वाले 24 में भी वही जीतेंगे और अगले 10 साल नहीं 20 साल 25 साल तक वही जीतेंगे। जब तक वही जीतेंगे कौन कौन जीतेंगे? क्यों? हर चीज में विकास है उसके। क्यों? शांत रहिए। अभी अरे सुनो, एक एक करके बोले। अभी कोई बुजुर्ग आदमी 5 दिन खाना नहीं खेला, आपको ठंडी से ठिठुर के मर जाएगा। अभी मोदी जैसा उसको क्या काम है, उसको देश चलाना है सिर्फ। वो आदमी रात को धरती पे सोता है, अभी खाना तक नहीं खाता है, और 2 दिन खाए और दिन बिना खाना खाए करेगा, नारियल पानी सुबह शाम, और दिन में इन्हें होता है 4 बार पानी लेता है। जा आपने तो मोदी जी कहा, लेकिन कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी क्यों? राहुल गांधी का उसका नाम हटाइए ना, 60 साल 70 साल को यहाँ उसका सरकार चला, क्या किया, कुछ किया? मोदी आने से 10 साल में क्या हो गया? बराबरी करेगा कहीं झंडा करेगा? एक चीज आपको बोलते थे, आज स्टेशन पर झंडा दिख रहा है आपको, उसके जमाने में स्टेशन पर झंडा था, कुछ था विकास तो आपके सामने। ये एक एक करके बोले, जो क्या बोल रहे हैं, विरोध करते हैं। यहाँ पे हमारा महावीर मंदिर है, ये 4 गो हॉस्पिटल चला रहा है, एक बगल में एक मस्जिद है बगल में, वो क्या कर रहा है, वो उसके बारे में हम सबको बताइएगा। जी 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 क्या बोल रहे, इधर आए, आगे आगे क्या सबको कहना है? नहीं पहले क्वेश्चन सुन लीजिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में आपके हिसाब से प्रधानमंत्री किसे बनना चाहिए? क्या
अब ये तो छोड़े ना बनेगा भैया, चोर बनेगा आप, क्या बनेगा छोड़े ना बनेगा, किसको आप कहना चाह रहे तो चोर नहीं तो क्या, अरे ईवीएम हटा कर लड़ कर दिखाओ यार, ईवीएम हटा कर लड़ कर जिता देगा तब जानेंगे क्या। इसका ये मतलब नहीं है कि ईवीएम क्या कह रहे इधर आप हार गए, इसका ये मतलब नहीं है कि ईवीएम खराब है। नरेंद्र मोदी देखिए बात पॉलिटिक्स का नहीं होना चाहिए। एक मिनट कुछ बोला जा रहा है, वही तो पूछ रहे हैं क्या होता आप बताइएगा ना, क्या होता है ईवीएम? ईवीएम हैक कर ले रहा था और क्या होता है, कैसे होता? एक से एक आदमी हैक करने तुमको हैक कर लेगा पगला, आपको राता रात ही तुमको हैक कर लेगा, तुम क्या बोल रहे हो? अच्छा तो आपके एक मिनट आपके हिसाब से किसे बनना चाहिए? कांग्रेस को बनना चाहिए। क्यों? क्यों? जमीनी नेता चाहिए। अरे सुनिए सरकार है उसका, सुनो ना भाई, बोली बोली बोली, नेता चाहिए औलाद वाला, बेला औलाद वाला नहीं चाहिए, समझा? नहीं नहीं नहीं, किसी किसी के पर्सनल व्यक्तिगत जी 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 जी, अरे हमको कैमरा, नेता अगर औलाद वाला आएगा तो अपना औलाद को संभालेगा कि अथी को देखेगा, जनता को देखेगा, औलाद कौन देखेगा? आप बेटा जन्माइएगा तो आप बेटा को दीजिएगा, नहीं चलता बाप से पूछो क्या होता है जो माँ। नहीं नहीं नहीं, ये चीज गलत चीज, ये गलत चीज, ये गलत चीज, ये गलत चीज जी। चाचा जी आपको क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आप किसे प्रधानमंत्री? हम तो 2024 में भैया नरेंद्र मोदी को देखेंगे, क्योंकि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी का जो विकास किए हैं पूरे इंडिया में, वैसा विकास आज तक न कोई प्रधानमंत्री किया है न करेगा, यही बात है। नरेंद्र मोदी जी को 2024 में आएंगे एकदम। नरेंद्र मोदी जी कन्फर्म? एकदम कन्फर्म। अच्छा आपसे मैं लास्ट एक क्वेश्चन पूछा, और कोई क्यों नहीं? देखिए भैया, जब से मेरा जन्म 1990 में हुआ है, ठीक है, इससे पहले हम तो किसी को शासन देखे नहीं, हम देखे जब से नरेंद्र मोदी यहाँ है, विकास हुआ है और डेवलप हुआ है, डेवलप का कोई बात नहीं है, डेवलप हुआ है भैया जी। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको यही चीज कहना चाहूँगा कि पैच। तो यहाँ पे मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आपके हिसाब से आप किसे प्रधानमंत्री के तौर पर आप देखना पसंद करेंगे जी, बताएं। तो जैसा कि आपने सुना यहाँ पे अभी भी कोई भी बात क्लियर नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं कोई कह रहे हैं कि राहुल गांधी, कोई कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं बेसिंग सहयोगी राहुल के साथ पटना।